أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله لا يغفر أن يشرك به

पहली वसीयत के बारे में हमने ये मालूम की कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने माजिन जबल से ये इर्शाद फरमाया क्या माज अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह की इबादत में ज़रा बराबर किसी को शरीक न ठहराना ये पहली वसीयत थी गर्चे चे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या काट के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए फिर भी अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ना करना शिरक की कबाहत और तोहैद की ताकत और क़वत के ताल्लुक से हमने इस ज़िम्न में चंद बातें मालूम किए आइए उसी से मुतिक उसका एक तत्मा है कि शिरक के, के असबाब वसाइल क्या क्या हैं वो कौन से रास्ते हैं इसबाब हैं ज़रिया हैं सोर्सेस हैं जिनके ज़रिए से शिरक शुरू होता है शिरक के दरवाज़े वहीं से खुलते हैं आइए हम एक एक करके इनको मालूम करते हैं हाजरेन अकीदे की ऊंची किताबों में और इसी तरह से तफसीर की किताबों में शिर्क जो इंसानों में सबसे पहले पाया गया उसका जो जरिया बना इसके ताल्लुक़ से लिखते हुए बयान किया गया कि सबसे पहला शिरक जो इस उम्मत में पाया गया वो है अलगुल नेक लोगों की शान में उनके सिलसिले में गुलू करना यानी उनके मर्तबे को बढ़ा देना नेक लोगों की शान में हद से आगे बढ़ जाना नेक लोगों के सिलसिले में गुलू से काम लेना अलगुलिसन नेक लोगों की शान में गुलू ये इस उम्मत में सबसे पहला शर्क और शिरक का जरिया शिरक का चोर दरवाजा वहीं से निकला चुनाचे इसकी दलील के तौर पर मुफ्सरीन ने इबन अब्बास रदी अल्लाह तुमा के हवाले से बयान किया कि सबसे पहले इंसान आदम सलाम आदम सलाम जब तक जिंदा थे इस उम्मत में शिरक नहीं आया तो ईमान पहले या शिरक पहले तो ईमान सबसे पहले पहले है सबसे अव्वल है असल घर इस्लाम और ईमान का घर है घर वापसी होना है तो सबसे पहले इसी की तरफ वापस आना है इस्लाम की तरफ क्योंकि हर बच्चा इस्लाम पे पैदा होता है से बुखारी की हदीस है कुल युलतु अल फितरा हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है उसके बाद यहूदी माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं नसरानी माँ बाप उसको नसरानी बना देते हैं मजूसी माँ बाप उसको मजूसी बना देते हैं मुसलमान माँ बाप मुसलमान बनाते हैं नहीं कहा क्यों मुसलमान तो अल्लाह बना के बेचता है हमारा और आपका काम है हमारी जिम्मेदारी है अपनी औलाद की मुसलमानियत को बाकी रखें अल्लाह ने मुसलमान बनाकर भेजा है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको बाकी रखें बरकरार रखें और अगर बाकी बरकरार नहीं रख सकते हैं अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा हर नबी ने अपने बारे में कहा वो नहनु लहू मुस्लिमून हम अल्लाह के लिए मुसलमान हैं आदम सलाम ने भी कहा मुसलमान उनका भी दीन इस्लाम था सलाम ने कहा मुसलमान हो इब्राहिम ने कहा मुसलमान हो सलाम उनके बाद आने वाली सारी औलाद ने कहा क्या मुसलमान है इस्लाम और ईमान पहले है आदम सलाम जब तक थे इस उम्मत में शिरक नहीं आया हाँ दीगर गुना का काम आया हसद की वजह से आदम सलाम की एक बेटा कादिल ने अपने भाई हादिल को कत्ल तो कर दिया गुना तो हुआ है लेकिन शिरक नहीं हुआ था अभी तक कत्ल हुआ गुना हुआ दीगर गुना के काम हुए बहुत सारे हराम चीजें पैदा हो गई लेकिन शिरक अभी तक नहीं आया था आदम के बाद उनकी औलाद में बहुत सारे अम्बिया आते रहे बहुत सारे अंबिया आते रहे फिर उसके बाद इस उम्मत के सबसे पहले जो रसूल है आदम सलाम सिर्फ नबी थे उम्मत के पहले रसूल है नोअलाम नो असलाम पहले रसूल है अल्लाह तबर ताला ने इनको सबसे पहले रसूल बनाया रसूल वह है जिनको अल्लाह ताला मुस्तकिल अलग से शरीयत देके भेजता है अलग से किताब देता है वो रसूल है और जो रसूल होते हैं वो नबी भी होते हैं नबी और रसूल दोनों थे अभी भी शिरक नहीं आया सलाम को अल्लाह ने रसूल बनाया अभी भी शिरक नहीं आया दीगर गुनाह के काम इस्लाम से बरगश्ता सुस्ती काहिली, ये सब आ गई थी लेकिन अभी तक भी शिरक नहीं आया शिरक कब आया नो अलैहिस्सलाम की कौम में शिरक सबसे पहले शुरू हुआ तो दुनिया का सबसे पहला शर्क कहां से शुरू हो रहा है देखो और ये सही बुखारी की हदीस है आयत कहां से नो सूरा नो सरा नो की आयतें हैं बुखारी की रिवायत है इब्ने अब्बास तुम का कौल है वो फरमाते हैं क्या कहते हैं सूरा नो में अल्लाह ने फरमाया नोअल ने ये फरमाया नहीं है अपने को छोड़ के एक रब जिसकी दावत दे रहे हैं उसकी तरफ जाना नहीं है ला तरह अपने इन बाप दादाओ से चले आने वाले माबूदों को छोड़ना नहीं है वला तदरुन गद्दा वला सुआ वला यगूस व यऊक व और ये वाद सुआ यऊक यगूस नसर इनको छोड़ना नहीं है ये कौन है ये कौन है ये यह वाद यगूस यऊक नसर ये कौन है इसके ताल्लुक से सही बुखारी की हदीस है इब्ने अब्बास फरमाते हैं हाउलाई अस्माउ रिजाल आल मेनू नो अलै सलाम की कौम के नेक लोगों के नाम है اسماء رجال صالحین من قوم نو نو अलै की कौम के नेक लोगों के नाम है ये। कौन से लोग गए नेक लोग हैं बुरे लोग नहीं है नेक लोग हैं उसके बाद हुआ कैसे इन नेक लोगों को माबूद बना लिया गया रब बना लिया गया यानी नेक लोगों की शान में गुनो करते करते यहां तक पहुंच गए कि अब अल्लाह के मुकाबले में इनको ठहरा के लोगों ने कहा तुम अल्लाह को छोड़ो मगर इनको छोड़ना नहीं है इम्ना बात कैसे इनमें से कोई नेक आदमी और ये नेक आदमी जब वफात पा गए वफात पाने के बाद शैतान एक नस्ल गुजरने के बाद आया आकर कहने लगा वध यह होश नसर कैसे लोग थे बहुत नेक लोग थे। अच्छा, जब अल्लाह से मांगते अल्लाह उनकी दुआओं को सुनते थे अच्छा तुम तो उनको याद ही नहीं करते हो हाँ ये तो सही है हम याद नहीं करते शैतान शहद शायत कैसे लगा रहा देखो शहद लगाना वालों में ना हाँ, शहद लगा के हाँ उसके बाद देखो क्या क्या हो जाता है शैतान शायद लगा रहा है क्या शायद लगाया अच्छे नेकी के रास्ते से आके शिर कराना चाहता है ये कौन नेक लोग है तुम्हारे बाप दादा हाँ बाप दादा थे नेक लोग थे हाँ नेक लोग इबादत करते हाँ करते अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करता हाँ करता जब भी हाथ उठाते दुआएं हाँ कबूल हो अरे तुम तो बड़े गुनहगार हो गए हो याद ही नहीं करते अपने बाप दादा को क्या करना सो अजीब इनकी फोटो बनाओ इनके फोटो बनाओ बनाने के बाद घर में दुकान में मकान में लटका के रखो देख देख कर याद करोगे मैं नहीं कर रहा हूं अब तुम फरमा रहे हैं सही बुखारी का हवाला है और यह नो सरा नो की इन आयतों की तफसीर में इमाम बुखारी ने जिक्र किया है अच्छा फोटो बनाना हा फोटो बना लो अब देखो बुत परस्ती शुरू हो रही है अब तक नहीं था बुत परस्ती आज से शुरू हो रही है उस जमाने में तो कोई कैमरा नहीं हाथ से बना लिए बुत बना लिए बना लेने ले के बाद किन लोगों के नेक लोगों के नेक लोगों के बुत बना के अब क्या करना शुरू घरों में रख दी इबादत नहीं घरों में रख दिए लटका के टांगा के रख दिए क्यों देख देख कर याद करेंगे नेक लोग थे भाई बुजुर्ग आदमी थे भाई अच्छा आदमी अच्छा 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 थे भाई तो हम तुम उनको देखकर उनकी तरह नेक बनोगे भी क्या बोलते हैं घर में कुरान के आयतुल कुर्सी लटकाए कुल के सूर्य लटकाए कहीं को लटकाए भाई देखकर याद आएगा वो अल्लाह के वास्ते से जिनके घरों में आप बताए कितने बार आपने कुल के सूरे देखकर पढ़ा मुझे बोलो आयतुल कुर्सी आपने घर में लटकाया ना देखकर कितने बार आपने पढ़ा मुझे बोलो पढ़े कभी नहीं कुरान लटकाने के लिए नहीं है लोग कहते हैं तावीज शिरक जो है ना तावीज भी एक आएगी बात इनशा बहुत लंबी गुफ्तगु है एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है शिरक के असबाब लिया उसने शिरक किया जिसने कोई भी चीज लटका लिया उसने शिरक किया है अब लोग कहते हैं कि कुरान की आयतें और दुआएं वो पुड़िया बनाकर तावीज बनाकर लटकाए गलत क्या है कुरान के आयते क्यों भाई सारा कुरान गले में लटका डालो लटका डालो एक तो आयत क्यों कुरान अच्छा ठीक कुरान शिफा है घोल के पी जाओ पी जाओ शिफा मिल जाएगी अरे भाई कुरान पढ़ने से शिफा है कुरान समझने से हिदायत है कुरान को लटका लेने से धो धो के पीने से नहीं होगा याद रखो मेरे भाइयों इसलिए क्या करते हैं? कुछ लोग दफन करते वक्त हजरत जी के सर्टिफिकेट जन्नत के सर्टिफिकेट हाँ बाकायदा सीने पे रख के दफनाते हैं कुछ लोग सु, लिख के लटका देते हैं या वो उसको तराश के पत्थरों पे तराश के वहां पर लगा देते हैं क्यों सुरा मुल्क कबर के आजाब से बचाता है लिखने से कुछ नहीं सारा कुरान भी रख के दफन कर दो तो कोई फायदा होने वाला नहीं है हा? आपने जो अमल किया पढ़ा वही फायदा होगा तो बहरहाल ये सिर्फ टानने से लटकाने से कुछ नहीं होगा कुरान लटकाने और टनाने के लिए नहीं आया है करने के लिए नहीं, दुकान मकान कार में फुला में आयतुल कुर्सी कुल के सूर नहीं आपको पढ़ना है लटकाने से कुछ नहीं होगा अब शैतान उनके दिमाग में क्या डाला नेक लोगों की तस्वीरें बनाओ बनाने के बाद घरों में लटका डालो दुकान वकान में लटकाओगे याद कर कर के तुम भी उनकी तरह इबादत गुजार नेक बन जाओगे आना भाई अच्छा आना शायद लगा के चला गया अब उसके बाद मामला ऐसे ही रहा घरों में सिर्फ तस्वीरें रही किन नेक लोगों के नेक लोगों की तस्वीरें और आज जो मुसलमान बना लिए वो पता नहीं कौन है आ? तोते शाह हरे भरे शाह जंगली पीर पता नहीं क्या क्या पीर है हम लोग जब उमराबाद में पढ़ते थे थे तो हमारे बोलते अल्लाह आलम आप यहां से चेन्नई के रास्ते में जाएंगे तो उमराबाद से पहले आम्बूर से पहले वानिम बाड़ी आता वानिम बाड़ी और आम्बुर के बीच में राइट साइड में एक मजार है कहते हैं कि आप ब्रिटिश के जमाने से क्या है बेंगलोर कंटोनमेंट है ये उसी जमाने में ये यशवंतपुर जो पुराने लोग जानते यशवंतपुर से हावड़ा तक ये पटरी बिछाई गई क्यों कैपिटल उस वक्त कोलकाता था तो यहाँ से वो अपने सिर्फ अपने फौज को ले जाने, ले जाने आने के लिए ट्रेन तो अंग्रेज वहां से गुजर रहा था गुजरते गुजरते उसका गधा जमाने में गधे की सवारी करते थे गधा मर गया मर जाने के बाद वहां दफन किए थे दफन करने के बाद में मजार बन गया है जंगली पीर आमने देखा न? जंगली पीर नहीं है जंगली पीर इनके गांव में देखो हरे भरे शाह हरे भरे शाह नहीं दिखे हरे भरे शाह है आप दिल्ली की जामे मस्जिद जाइए जामे मस्जिद के सामने जो मजार है उसमें लिखा हुआ हरे भरे शाह या तोते शाह इसे लिखा हुआ है याद रखिए मेरे भाइयों ये सब अजीब तरह के तमाशे लोगों ने बना लिए बहरहाल मैं शिर के क्या आगाज आपको बता रहा हूं हमने जिनको बनाया वो तो नेक है या नहीं पता भी नहीं है या या अंदर कोई है है नहीं वालों में है। आ? कुछ पता नहीं है अब उसके बाद आएगी ये एक नस्ल चली गई सिर्फ फोटो और तस्वीर के हद तक उसके बाद ये नस्ल खत्म होने के बाद एक दूसरी नस्ल आई शैतान बहुत इंतजार करता है आ? वेट एंड वॉच वॉच करता वेट करता जल्दबाजी नहीं करता है उसके बाद आया फिर आने के बाद बेटा ये तस्वीरें कई को मालूम नहीं बा हमारे बाप दादा लगता है सो हमें भी बोलते नहीं बोलते आ? ये कौन है ये मालूम नहीं बा हमारे बाप दादा करे सो बाप दादा से करते हुए आ रहे हैं आ? हर जाहिल ही बोलता है जिसके पास कुरान आदि का इल्म नहीं है वो सबसे बड़ा जाहिल है वो ही बोलता है आप कुरान हदीस पढ़ो तो क्या पर? बुखारी बहुत बड़ी किताब है बुखारी पढ़ तुम्हारा कम है कुरान 360 हुनुमा होना सो क्या होना सो 360 हुनुमा होना यानी जमा की भी जमा बना डालते हैं वो लोग को जमा है हां 360 हुनुमा होना तब जाके तुम कुरान पढ़ना जरा नाम तो गिना तो 360 उलूम क्या-क्या है गैर मुस्लिम यहूद और नصارى गैर मुस्लिम हनूत और मुशरिकिन मजोसीन कुरान के खिलाफ मुताला करते हिदायत पा गए गलत नीयत से शुरू किए हिदायत पा गए और मुसलमान कुरान पढ़ के गुमराह हो जाएगा कुरान का तर्ज तू तो तर्ज में पढ़ रहा बाग हाँ गुमराह हो जाएगा अल्लाह अल्ला के अल्लाह कह रहा है

उसके बाद कहा कि ये तस्वीरें क्या है भाई मालूम नहीं हमारे बाप दादा रखे नहीं बेटा ये नेक लोगों के नाम है अच्छा नेक लोग हाँ तुम्हारे बाप दादा ने हाँ नेक थे इतना तो मालूम है हमारे बाप दादा इनको रखे नेक लोग बुजुर्ग लोग अच्छे लोग थे इसलिए अच्छा तुम्हारे बाप दादा इनको पुकारते इनके जरिए से जाते थे सो वसीला तुम्हारे बाप दादा को जब जरूरत पड़ती अल्लाह के पास कोई मांगना हाजत की जरूरत हाजत होती जरूरत होती मुश्किल कुशाए हाजत रवाई के लिए तुम्हारे बाप दादा इनके जरिए से जाके मांगते थे तुम भी इनको मांगो बाबा मुझे ये दे दे दादा पीर मुझे ये दे दे दस्तगीर मुझे ये कर दे अब शुरू हो गए डायरेक्ट मांगना शुरू हो गया अब क्या हो गया है अल्लाह सेकेंडरी अल्लाह तक हमें कहा पहुंच सकते गुनेगार कौन बोले सो अल्लाह बोल के कही कुरान में मैं गुनेगार के नहीं सुनता बोला अल्लाह ने नहीं बोला ने। याद रखो रमजान के आकाम मसाइल सब कुछ बयान करने के बाद सरतुलबकारा आयत नंबर वन एटी थ्री एटी फोर एटी फाइव ये पूरे 86 तक सारे मसाइल बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 187 या 6 में फरमाया وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون جب میرا بندہ میرے تعلق سے تم کو پوچھائے نبی میں کہا ہوں تو کہو میں قریب ہوں قریب ہوں أجيب دعوة الداع إذا دعان हर पुकारने वाले की पुकार को मैं सुनता हूँ अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मेरे को के सुनता हूँ हर पुकारने वाले की पुकार को मैं सुनता हूँ लिहाजा तुम ईमान के साथ मुझको पुकारो मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करने वाला हूं लोग कहते हैं वसीले के बात में तफसील के साथ बताऊंगा मिसाल क्या देते हैं मालूम है बड़े आदमी तक पहुंचना है तो उनके सीएपीए को पकड़ना पड़ता और ना तुम डायरेक्ट जा सकते हो हाँ हाँ नहीं जा सकते सीएम के साथ डायरेक्ट मिल सकते हो नहीं इतने आर टी नगर में जाके मिल सकते हैं क्या ना क्या करना उसके सोर्स लगाना वसीला लगाना तवासुप से जाना रब रिश्नाबा ऊपर छत पे जाना कैनोपी में कैसे जाना सो सीढ़ी का वसीला लेना बॉम्बे जाना है ट्रेन हवाई जहाज का वसीला लेना पूरे दुनिया का सिस्टम इसे ही चल रहा है बिल्कुल चल रहा है ये दुनिया का सिस्टम है ये आखिरत का सिस्टम नहीं है तुम्हारी मिसाल ही गलत है सिरे से मिसाल ही सिरे से गलत है फला के के अल्लाह बराबर कोई चीज नहीं है खालिक अलग है मखलूक अलग है मखलूक की मिसालें खालिक के लिए नहीं देना ये सारी मिसालें जो आपने दी है ये मखलूक के लिए है खालिक के लिए नहीं चलती है खालिक ने कहा मैं तो डायरेक्ट सुनता हूं चलो ये मिसाल मान भी भी लिए तब भी गलत है तब भी गलत है क्यों गलत है अगर सीएम सीएम आपका आपका भाई है है आप उसके पीए से जाओगे जाओगे कि डायरेक्ट बेटा है, हा? और आपका निहायत करीबी दोस्त है तो आप उसके सीए पीए से जाओगे खरीद जाओगे सीएम ने आपको तो बोल दिया आईडी कार्ड दे दिया है जब चाहे या आ सकता मेरे पास डायरेक्ट छोड़ डाल बा अब वो दिखाए तो डायरेक्ट जाता कि नहीं जाता अब सेफ की जरूरत है जब अल्लाह ने बोला डायरेक्ट मांगो मेरा बंदा मैं सुनने वाला हूँ जरूरत ही क्या है मिसाल चलती नहीं चलेगी मिसाल ये दुनिया के लिए मिसाल तुम्हारी नहीं चल सकती अल्लाह डायरेक्ट सुनता है ये कहना कुनेगारों के अल्लाह नहीं सुनता किसने कहा कुफार मुश्किन नबी के दुश्मन जानी दुश्मन काफिर पल ने दर्जे का काफिर नबी ने जिसके बारे में कहा जिनके बारे में कहा काबे के पर्दा पकड़ के लटक जाए काबे के अंदर भी घुस जाए तब भी कत्ल करना इतने खतरनाक लोग थे ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया वही दारा की वो फिलफुल मुखलिसन जब ये लोग मक्के से मक्का फतेह हुआ फतेह मक्के के मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू अबू चहल का बेटा इक्रिमा और इन जैसे कुछ लोगों के बारे में काबे के अंदर में मिल जाए काबे के पर्दा पकड़ के लटक भी जाए इनको छोड़ना नहीं कतल करना भाग के चले गए भाग के चले गए समंदर के सफर करते हुए कश्ती में सवार हुए कश्ती में सवार होके निकले बीच रास्ते में बीच समंदर में जाके कश्ती भवर में फंस गई और ये लोग जाते जाते अपने अपने माबूदों को बुत को अपने गले में बगल में दबा के लेकर गए थे वहां बीच समंदर में नाखुदा ने कहा कश्ती चलाने वाले बोट चलाने वाले मल्लाह को क्या बोलते नाखुदा यानी वो खुदा रही है क्या मतलब क्या मतलब है यानी समंदर के बीचों बीच में ये मल्ला भी तुम्हें बचा नहीं सकता जब नाव भौर में फंस जाए याद रखो ये ना खुदा बचा नहीं सकता है ना खुदा ने हाथ उठा दिया था मैं आप बचा नहीं सकता हूँ सब अपने अपने रब को पुकारा करो सब ने बगल से निकाला या लात, या होबल या मना फुला, फुला माना खुदा ने कहा ये सब नहीं बचाने वाले सबको समंदर में डालो विसर्जन दे दो सबको डालो समय सब का अल्लाह बचाएगा छत अल्लाह बचाएगा जब ये बचा नहीं सकता है कई को बात तुझे तू अल्लाह अगर हयात दे दी तो मैं ईमान कबूल कर लूंगा हा? जब समंदर के बीचों बीच में अल्लाह बचाने वाला तो यहां पर भी अल्लाह बचाएगा तो खुशकी में भी बचाएगा तभी क्या की इरादा कर लिए ईमान कबूल कर लूंगा और उसके बाद देखो उनमें से ऐसे ईमान कबूल नहीं किए पल्ले दर्जे के काफिर मुश्री अल्लाह को पुकार रहे अल्लाह बचा ले अल्लाह ने काम कहा नजात दे दी हमने उनको नजात दे दी नजात देने के बाद जब खुशकी में आए ये दाह मिश्र फिर शिर करने लगे

अल्लाह ने, तो ने कहा जा तो रची में मरदूद है उस वक्त शैतान ने कहा लेकिन तो अल्लाह की नाफरमानी कब्र दिखाया अल्लाह से चैलेंज कर रहा है उसके बावजूद भी अल्लाह से कहा अल्लाह अंदर नीला अंदर नीला योम बहतून अल्लाह तला तुम मुझे अंदर नील इला योम कयामत की सुबह तक मुझे हयात देना तो मुझे मारना नहीं अल्लाह ताला ने कहा ठीक है चल जा मैंने तुझे कयामत की सुबह तक हयात दे दी है शैतान ने किसका वसीला लिया था बोलो किसका वसीला लिया डायरेक्ट पुकारा नहीं पुकारा लोग कहते हैं सलाम दुनिया में आपके दुआ कर रहे दुआ कर रहे दुआ कर रहे उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही है तोबा कबूल नहीं हो रही नहीं हो रही अर्श के नीचे लिखा देखे ला इला मोहम्मद रसोल्ला जब मोहम्मद सल्लाम को वसीला लिया उनकी तोबा दुआ कबूल हुई मन घड़त बेबुनियाद बात है यादत हो मन घड़त बेबुनियाद बात है और ला इला मोहम्मद रसोल्ला कोई वसीला नहीं है याद रखो ये कलीमा है ये कोई वसीला नहीं है उन्होंने ये नहीं कहा अगर मान भी ले ये नहीं कहा ला तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफाइल उनके पैर के धूल के सदके में कबूल कर ले नहीं ये शिर्क है शिर्क है ये अये अल्लाह तू दे आय नबी तू दे आय नबी तो अल्लाह के वास्ते अता फरमा अल्लाह तो नबी के वास्ते अता फरमा इस तरह की बातें कहना गलत है हम अल्लाह को खुदा नहीं बोलते हैं खुदा लफ्ज सही नहीं है खुदा के माने जो खुद आया आया तो आप थे पहले नहीं है तो जो आया तो पहले नहीं था ना इसीलिए खुदा लफ्ज नहीं कहना चाहिए अल्लाह तू नबी के वास्ते दे, दे आई नबी तो अल्लाह के वास्ते इससे दुआ करते बाकायदा डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से मांग रहे हैं डायरेक्ट जो औलिया मुत्तकी परहेज़गार लोगों से मांग रहे हैं वफात के बाद डायरेक्ट खबरों के पास जाके मांग रहे हैं डायरेक्ट मुझसे तोबा कर रहे हैं आई मदीने कर सुने नहीं सुने में। आई मदीने के आका मुझे मौत को टालने वाला कौन है बगदाद वाले मौत आ गई तो फरिश्ता मोत क्या है क्या मजाक याद रखो मेरे भाइयों ये अल्लाह से अल्लाह को छोड़ के डायरेक्ट किसी और से माफी मांगना ये शिरक है शिरक है सफर मदीने का है और मैं नमदीदा, नमदीदा है कदम लर्जीदा लर्जीदा अब सिर अब अबा सारे नात में शिरक है सारा शिरक याद रखो शिरक है किसी ने हाथ का सहारा दे दिया और ना कहा और का मदीने का सफर चला हो एक मुजरिम की तरह में जानी पे में मुजरिम की तरह जाके वो माफी मांग अल्लाह से माफी नहीं अल्लाह के दरबार में आप बाके जुर्म का करो मस्जिद से आओ तो करो वो नहीं नबी के दरबार पे जा रहे हैं कबर पे जाकर नबी माफ करवा देंगे शिरक है सब सब है याद रखो बहरहाल बात चली गई तबसल की तरफ वसीले की तरफ शिरक का आगाज कैसे हुआ शिरक का आगाज फिर उसके बाद ये जो नसल है ना तस्वीरों को देखकर कहा कि ये तुम्हारे बाप दादा इनको पुकारते थे अब क्या हुआ वसीला आया यहां ये शिरक का आगाज है का आगाज वसीले से हुआ फिर उसके बाद नेक लोगों की शान में फूलों से हुआ फिर एक नसल चली गई शैतान फिर आया अजीब तुम लोग इनको याद नहीं करते अपने बेटों का नाम इनके नाम के साथ रखो अपने बच्चों का नाम इनके नाम के साथ रखा करो हम भी रखते नहीं रखते बच्चों का दादा पीर है दादापीर महफिल में चले गए हाँ बाजू है दादा पीर बच्चों के नाम के साथ दस्तगीर से आजम गौस। गौस पीर और पता नहीं गुलाम मुस्तफा गुलाम मुर्तदा गुलाम रसूल कितने मैं जब जाम मोहम्मदिया में था पढ़ा रहा था तो हमारे पास एक पकाती थी आंध्रा के उनका नाम मोहम्मद उनके भाई थे उनका नाम रसूल हाँ मैंने एक बार मजाक में इसे कहा मोहम्मद भाई रिसालत नफोत सब तुम्हारे खानदान में छाए <laughs> कहा के शेख आपको मालूम नहीं मेरे आपको का नाम अल्लाह था अब तोहियत भी तुम्हारे खानदान में आ गई है यानी बाप का नाम अल्लाह का बेटे का नाम एक का नाम रसूल दूसरे का नाम मोहम्मद नाम, नाम रखने में शिर्क है और पता रही कितने ऐसे नाम है जो शिर नाम है मेरे भाइयों शैतान ने दिमाग में रखा डाल दिया कि अपने बड़े बुजुर्गों के नाम के साथ नाम रखो और तुम इनकी इबादत करो अब शुरू हो गई परस्ती शैतान स्टेप बाई स्टेप लेके चला गया जाने के बाद आप बताओ का कागज कैसे हुआ नेक लोगों की शान में बोलो और नेक लोगों को अल्लाह के पास वसीला बनाकर पेश करना वसीला बनाकर पेश करना और कुफार शिकीन के बारे में आप देखेंगे जुमर, आयत तीन में क्या कहा जब उनसे कहा गया ये जो 360 है इनकी इबादत क्यों करते हो तो उन्होंने कहा मान न अबदहुम इन्ना नत्रबून इला लाही जुलफा हम इनकी इबादत नहीं करते ये तो हमें अल्लाह के पास करीब कर देंगे दूसरी जगह का आउलाय शुफाअ उनद अल्लाह ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं वसीला बन के आएंगे उस जमाने से लेकर आज तक हर मुशरिक का यही तरीका होता है कि ये अरब त्रबलला है लेकिन हम इनको जरिया बनाते हैं जरिया बनाते हैं और अल्लाह तो अल्लाह की बात अल्लाह के अल्लाह की इबादत ये सेकेंडरी हो जाती है वो बड़े लोग करना सो हमारा काम नहीं है हमें तो इनके पास जाना है और ये लोग कहते हैं कि हमारी इबादतें माफ हो गई है अरे भाई पर तुम कहा जाओगे भाई इनके जरिए कहते हमारी इबादत माफ है वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे जरिए से जाएंगे अब खा जाओगे नबी की इबादत आखिर वक्त तक माफ नहीं हुई

पीर पकड़ मालूम है नहीं सुने आपने उनके महफिलों में चलता है क्या है अल्लाह अल्लाह और पीराने पीर सुभान महबूब एक दिन एक साथ चल रहे थे चलते चलते अल्लाह फिसल के गिर रहा था और अल्लाह ने कहा दस्तगीर मेरा हाथ पकड़ अल्लाह को फिसलने से महबूब सुबानी ने बचा लिए नौ ये सब दस्से कहानियां मेरे भाइयों अल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमाए ने एक तोफ़ी कथा फरमाए तो बहरहाल ये जो नाम जीलानी रहा उनका नाम है पक्के सच्चे बेहतरीन सही अकीदा वाले इंसान थे वो उनकी किताब है तालिबीन ये किताब बहुत सारी लैंग्वेज में पढ़ के देखी उन्होंने उस जमाने में लिख दिया जो बहत्तर तिहत्तर फिरके होंगे क्या क्या सब बताया है और सही चीज़ का सब कुछ बयान किया है बेहतरीन किताब है अब्दुल अब्दुल्कदर जिलानी रही का ईमान व अकीदा देखो और शैतान को गुमराह करना चाहा तो कैसे वो शैतान से फाइट किए हैं और ये वाक़ कोई ऐसे वैसे, वैसे वाक़ा नहीं है शखूल इस्लाम इबन तमिया रिमा ने इस वाक़े को अपने फ़तावे की किताब इस्लाम इबन तमिया के फ़तावे की किताब है तकरीबन 23 थ्री में उसमें उन्होंने जिक्र किया है एक रात की बात है अब्दुल अब्दुल्कादिर जीलानी रही आखिरी रात में इबादत कर रहे थे कमरा तारीख था जैसे गुजरे में रूम में इबादत कर रहे थे उस जमाने में तो रोशनी होती नहीं एकदम तारीख कमरे में अकेला इबादत में मसरूफ़ थे। अचानक कमरा रोशन हो गया गायब से आवाज़ आई अब्दुल कादिर जीलानी मैं तेरा रब अल्लाह बोल रहा हूँ तूने आज तक इतनी इबादत बंदगिया की है तेरी इबादत से मैं खुश होके आइंदा तेरी सारी इबादतों को माफ कर दिया है जो भी कर ले तेरे नाम है तुझे मैं सर्टिफिकेट दे दिया आईंदा से इबादत करने की जरूरत नहीं है हम होते तो मिला चांस बा मिल चांस अच्छा बोनस पॉइंट अब तो माफी हो गई है करते नहीं करते पंद्रह शाबान में क्या मुसलमान बनते हैं टोपी लगाए बगल में चार आए दुकान बंद क्यों शाबान जाना चाहे कज़ा करना है एक रात पढ़ लिए तो हो गए ना साल भर के माफी मिल गई है रोजी रोटी मिल जाएगी ये बोनत मौका मिला तो बस चले गए सलफ सालीन कैसे होते थे देखो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा तू तो मेरा रब नहीं तू शैतान ने मरदूत कही का। मेरे नबी को आखिर वक्त इबादत माफ नहीं हुई है मैं नबी से बढ़ गया आखिर वक्त प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल नहीं सकते आए नमाज के लिए दो आदमी का सहारा लेके आ रहे पैर टेक नहीं सकते पैर घसीटते हुए आ रहे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह ने कुरान में सुरा की आखिर इबादत खड़े होकर नहीं कर सकते हो बैठ के करो बैठ के नहीं कर सकते हो लेट के करो लेट के नहीं कर सकते हो इशारे से करो आबादी में नहीं कर सकते हो जंगल में जाके पत्ते चबा करो जंग के मैदान में तलवारों के साने अल्लाह की इबादत करो माफ नहीं जब तक इशारे की ताकत है इशारे की ताकत तब नहीं तब माफ है यानी जान में जब तक जान है इबादत माफ नहीं है मेरी इबादत माफ हो गई शैतान कहीं का शैतान ने कहा अच्छा बेटा तू तो मुझे पहचान गया अरे अब्दुल कदर जीवानी तू तो मुझे पहचान गया लेकिन आज की रात मैं सत्तर इबादत गुजार को गुमराह करके आया जिनके पास इल्म नहीं था इबादत का जज्बा तो था इल्म नहीं था इबादत करने से पहले इल्म सीखना जरूरी है इल्म सीखना जरूरी है इबादत का जज्बा था इल्म नहीं था मैंने सबको गुमराह किया वो सत्तर इबादत गुजार कल से इबादत नहीं करेंगे सबको मैंने बाटल में उतार डाला तू तो मुझे पहचान गया क्यों जानता है तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया तेरे पास इल्म था तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा शैतान तेरा पहला हमला थोड़ा छोटा था, था, तो मुझे इबादत से रोकना चाहता था। आ? लेकिन तेरा दूसरा हमला जाते जाते बहुत खतरनाक हमला करके जा रहा है तू तो मुझे शिरक में मुब्तला करना चाहता है मुझे मेरे इल्म ने नहीं मुझे मेरे रब ने बचा लिया अल्लाह अकबर, आ

मरियम सिद्दीका जिनकी गवाही अल्लाह ने दी उनको नहीं बख्शा आयशा सिद्दीका ने बख्शा नहीं है अब जिलानी जितने तोहित बढ़ सकते जब इनकी इबादत माफ नहीं हुए हमारी इबादत कैसे माफ होगी भाई इसलिए इबादत करते रहना चाहिए इल्म हासिल करते रहना चाहिए तभी जाकर हम बच सकते महफूस हो सकते हुना कलाम ये हुआ कि आज हमने ये मालूम किया कि शर्क इस उम्मत में कैसे शुरू हुआ नू सलाम के कौम के नेक लोगों की शान में गुलू करते हुए वसीला वसीला फिर उसके बाद उन्हीं की इबादत फिर उसके बाद बुत परस्ती शुरू हो गई उनके नाम से नाम रखना इस तरीके से ये उम्मत शर्क में मुतला हो गई हर मुशरिक का यही अकीदा होता है हर शिर्क के आगाज के पीछे यही चीज कार है और नू अम के कौम के लोगों ने नेक लोगों के साथ ये किया है हम किन के साथ कर रहे हैं भाई आपको पता है है वो नेक है? हा? जाओ जाकर पूछो एक आयत कुरान के पढ़ना नहीं आएगा सबसे बड़े पीर वली बुजुर्ग बन के बैठे हैं एक आयत पढ़ना नहीं आएगा दांत जाकर देखो बरसों से मिसवाक नहीं किया होगा ये पहुंचे हुई सरकार है गुसल नहीं किए बाल ऐसे बनाए हुए हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह के वली वो होते जिनको देखकर खुदा याद आ जाए खुदा याद आ जाए अल्लाह के वली वो होते हैं कभी मौका मिले याद दिलाएं औलिया अल्लाह कौन है उनका सब क्या इंशाल्लाह मैं बताऊंगा الا इन्ना اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين आमनوا आगे भी पढ़ो वो ईमान वाले होते हैं और यार होते तक्वा किसके पास ईमान तो है शरीयत के हर बातों पर अमल करते हैं वो नवाफिल के साथ फराइज के पाबंदी के साथ सब नवाफिल का अहमाम करते हैं या पीर वहां नमाज चलती रहती यहाँ पीर जो सिगरेट फूकता है फुक्का फूकता है हाँ ये पीर है ये वली है जिनको देख कर खुदा याद आना चाहिए इनकी ये धाना है कि सिर्फ कमाई 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 याद रखो अल्लाह के दरबार में आपको आप सिर्फ क्या करना अल्लाह से मांगना है अल्लाह के मांगना है याद रखो ऐसा नहीं कि इबादत करने के लिए अगर आपको खर्चा करना पड़ रहा है इबादत के लिए अब जा रहे हैं इबादत के लिए लेके जाना क्या लेके जाना अगरबत्ती लेके जाना फिर क्या है वो वाइट गोल गोल होते हैं मीठा गोल गोल होता है ना मीठा वो लेके जाना आ? चादर जाओ। जोहर के नमाज के कुछ है? की नमाज के लिए आते हुए आपको कुछ लेकर आना है असर की नमाजना है कुछ यहाँ पर अगरबत्ती नजराना है, देना है नहीं अल्लाह के रास्ते में जो खैरत करो वो आपके अपनी तरफ से है लेकिन ये देखो इबादत में आपको तो समझा रहा हो फर्क समझा रहा हो इसके अलावा जो गैर इबादत है ना शिर किया इबादत में हर तरह के चाहे गैर मुस्लिम को मुसलमानों के कुछ ना कुछ ले जाना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ ले जाना पड़ेगा ऐसे हम लोग गए थे एक जगह पर बस वो तारीखी मुकाम है नाम लेना नहीं चाहता हूँ वह तारीखी मुकाम है वहां पर तो बहुत बड़ी दरगाह है वहां गए सब लोग लेके जा रहा है लेके जा रहे वहां बैठे हुए हैं पूछ रहे हैं तुमने क्या लाया है हमने कुछ लाया नहीं है हम लेने आए हैं हम लेने आए हैं क्यों आपने कहा झोली भर के जाओ हम झोली खाली लाए भर के लेके जाना है क्योंकि यहाँ के दरबार में अब अल्लाह के दरबार में आए झोली भर के ले जाना है तो अंडे कहेगा बोल के भगा दिया तो याद रखो ये सब बिजनेस सेंटर बना लिया लोगों ने इबादत की जगहों में ऐसा नहीं होता है इबादत की जगहों में ऐसा नहीं होता है तो सही तरीका होता है बहरहाल आप समझो गौर करो देखो कि कहा है हम कहा जा रहे हैं हम भी गैर के तरीके पर चले और वजा में तुम हो नसारा तो में तमूद वजा में तुम हो नसारा तो तमुन में हनूद ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माईद हम जो गैरों के चाल चल रहे हैं हर तरह के अकीदे बिदात फुराफा मुबतला हो जा रहा है दोबारा बुलाम से अल्लाह तबर हमें महफूज रखे वसीला गलत तरीके के वसीला और शिर नेक लोगों के शान में उलू करने से अल्लाह महफूज रखें और वसीले के सिलसिले में एक बात बता देता हूं कि वसीला शरीयत में जो जायज है ममनू वसीला ये किसी के आ, मनसब का वहदे का किसी पीर वली बुजुर्ग नबी अलिया अम्बिया मलाई का फरिश्ते का वसीला सब शिरक है अलबत् आदमी अल्लाह के आसमा और सिफात का वसीला दे सकता है अल्लाह के आसमा और सिफात यानी अल्लाह के नाम अल्लाह रहमान तो रहम अल्लाह करीम तू करम कर अल्लाह तो के रोजी रोटी आता फरमा अल्लाह तो गफ् मुझे माफ फरमा दे अल्लाह तो करीम करम फरमा या या पढ़ते ना यावेज या या रहमान या याहती अल्लाह के नामों का वसीला बिल्कुल आप ले सकते हैं बिल्कुल गलत नहीं है इसी तरह से आप के अपने नेक का वसीला आप अपने नेक का वसीला आप ले सकते हो

दुआ की दरखास्त कर सकते हो आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए जैसे तो बारिश नहीं हो रही थी जिंदा थे हम नबी के पास आकर जिंदा थे देखो साहबा का फीदा जिंदा थे हम नबी के पास आकर दुआ की दरखास्त करते नबी की से नहीं नबी से दुआ अल्लाह दुआ कर दीजिए अल्लाह से आप नबी जिंदा नहीं है साहबा का फीदा देखो नबी के अगर कबर के पास जाकर मांगना होता मदीने में नबी की कबर है, है, जाते हैं हाँ, नेक आदमी से और जो नेकोकार है ऐसा आदमी से दुआ की दरखास्त करना अब कर सकते हो ये उनकी दुआ का वसीला हुआ उनका वसीला नहीं है याद रखिए अजर अब्बास के पास आए कहा कि आप दुआ कर दीजिए सब मिलकर जो है दुआ किए और उसके बाद बारिश बरसी ये आप कर सकते हो प्यारे सल्लल्लाहु वसल्लम आज तो लोग कहते हैं कि दुआ की दरखात दुआ की दुआ में याद रखो ये कहना बिदात है गलत बात है किसने कहा नजीब ने सही रिवायत है जब हजरत उमर उम्र ताला उम्रे के लिए जा रहे थे उन्होंने अल्लाह के रसूल से आकर इजाजत पूछी और दिला दी अल्लाह के रसूल आप अमीर हैं मैं इजाजत लेके जा रहा हूँ मुझे उमरा की इजाजत दे दे और उस मौके पर अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर से कहा अपनी नेक दुआओं में मुझे याद रखना हजरत उमर रोने लगे कल्ला अल्लाह के रसूल आप मुझसे दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं आप बख्शे बख्शा है आप नबी हैं कहा के रोने लगे खुशी के मारे में नबी ने कहा उनसे दुआ में याद रखो क्यों किसने कहा विदात है नबी ने खुद कहा सुन्नत है याद रखो मेरे भाई तो दुआ की दरख्वास्त से, से कर सकती है दुआ का वसीला नेक अब जैसे तो दुआ की दरखास्त आती है चलो तरावी में क्या में वितर में फजर में दुआ की दरखास्त करे जुमा में बिल्कुल कर सकते दुआ करना चाहिए नेक लोगों की दुआएं कबूल होती है और मुसलमान की दुआ पीठ पीछे कबूल होती है ये बिल्कुल कर सकते ये जायज है